हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का 11th क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है इसमें? फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए 5, 4 एंड बी पॉइंट इज -2, 3। उसने बोला कि जो एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस होगा। अब सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। अब ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर मीन्स ये मेरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर क्या होगा? वाई जीरो होना चाहिए। क्या होगा? वाई जीरो। यहाँ पर कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट लेके आ रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो पॉइंट मेरा क्या बनेगा? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। सी कर लिया हमने लेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स जीरो, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये मेरा क्या बनेगा? पॉइंट। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने। ए की वैल्यू क्या थी? 5, 4 एंड बी इज -2, 3। सो सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस होगी। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे को ए सी फाइंड आउट करना है तो ए सी क्या हो जाएगा? क्या बोला था मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था? x2 - x1 होल स्केयर, y2 - y1 होल स्केयर। सो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, ये ध्यान रखना। उसने बोला इक्वल डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? बी सी के, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस वर्ड यूज किया इसमें। सो ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट में क्या हो जाएगा? x2 क्या है यहाँ पर हमारे पास में? दिस इज x - x1 क्या है? 5 होल स्केयर प्लस y2 इज 0 -y1 4 होल स्केयर इज इक्वल टू x2। अब क्या है? अब इन दोनों के लिए करेंगे। bc में क्या है? x2 हमारे पास में -2 एंड x1 इज x होल स्केयर प्लस y2 इज 3 एंड -1 y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोनों के साइड का अगर मैं स्केयर कर दूं तो क्या हो जाएगा? इनका जो स्केयर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? x - 5 होल स्केयर प्लस यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा। सो क्या लिखूं मैं डायरेक्टली? मैंने लिख लिया -4 -2 - x होल स्केयर प्लस 3 होल स्केयर। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्केयर प्लस 25 माइनस क्या हो जाएगा? 10x प्लस, जब माइनस का स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड दैट इज 16। क्या हो जाएगा? 2 का स्केयर करेंगे 4 प्लस एक्स स्केयर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस हो गया, माइनस का स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो 2 2 = 4x प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था मेरे पास में? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्केयर। अब एक चीज और देख लो ध्यान से, यहां पर दोनों में एक्स स्केयर इज इक्वल टू के इधर में, जब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए, 25 + 16 कितने हो गए? 41 -10x इज इक्वल टू 4 + 9 इज 13 एंड प्लस 4x। इसको इधर लेके आओ, जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ कर लो। अगर 10 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 14x। और इसको इधर लेके आऊंगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 41 - 13। सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। 3 रह गया यहाँ पर एंड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 28। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 28/14 दैट इज 2। सो अब देखो हमारे पास में पॉइंट क्या था? एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई और वाई की वैल्यू क्या थी? 0। सो हमारे पास में पॉइंट क्या होगा? 2, 0 दैट इज आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया बेटे? डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि उसने बोला था कि दोनों की जो पॉइंट होगा हमारा सी, वो दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो हमने क्या किया? ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और बी सी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि उसने बोला था विच इज इक्वी डिस्टेंस, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रख लिया हमने और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
स्केयरिंग किया बोथ साइड से, अंडर रूट कैंसल आउट हो गया, सो आइडेंटिटी ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 2। अब देखो उसने बोला था पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर यहाँ पे बोल देता पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर अगर ये पॉइंट होता तो वहां पर क्या हो जाता, x की वैल्यू 0 हो जाती, फिर पॉइंट क्या बन जाता मेरा, 0y। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने बच्चे, सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ओके, थैंक यू।